ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अपनी ग्राम पंचायत में बेलगाम होकर अवैधानिक कामों को अंजाम दे रहे हैं। मनमानी का आलम यह है कि उनके द्वारा बिना कोई एजेंडा, बैठक और मूल्यांकन किए ही पंचायत भवन को जमींदोज करवा दिया गया, जबकि यह पंचायत भवन कहीं से जर्जर भी नहीं था। ब्लॉक सकरण की ग्राम पंचायत मुरथना ग्राम प्रधान गोल्डी देवी के पति अमरीश वर्मा के द्वारा किए गए इस कार्य के विरोध में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, डीएम सहित संबंधित अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने जिस पंचायत भवन को गिरवा दिया है उसका निर्माण करीब 2 दशक पहले हुआ था। आरोप है कि नया पंचायत भवन मुरथना से हटाकर मजरा देवमन बेलवा में बनवाने की तैयारी है। आई इंडिया के सकरण संवाददाता विनय अवस्थी ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बात की। आइए पहले सुन लेते हैं ग्रामीण भानु प्रताप, सत्यम वाजपेयी, गिरजा शंकर का क्या कहना है। आज हम पहुंचे हैं दमन बेलवा और डिहवा सिमरा और मुरथना के गांव में, जहां पे मुरथना गांव न्याय पंचायत है। यहां पे बना हुआ था 25 वर्ष पहले एक बनाया गया था पंचायत भवन, जिसको प्रधान ने तोड़ दिया है और ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। लोग शिकायतें कर रहे हैं और जरा इन्हीं से मालूम करते हैं क्या है माजरा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भानु प्रताप है। क्या समस्या है? समस्या ये कि मैं हमारे ग्राम पंचायत में जो है पंचायत भवन 25 साल पहले बना था, ठीक है, तो प्रधान अपनी दबंगई के कारण यहाँ से इसको अपने दम्बल बिलवा मजरी में ले जाना चाहते हैं। जो हमारे वहाँ पर्याप्त जगह पड़ी हुई है, लगभग 4 जगह, ठीक है, और एक जो है यहीं पर हमारा पंचायत भवन बनना चाहिए, यहीं पर बनना चाहिए। जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम सत्यम वाजपेयी। क्या समस्या है? समस्या ये है, ये बिल्डिंग 25 साल पहले बनाई गई थी, यहाँ पर पंचायत होती थी, सब कुछ होता था, बिल्डिंग मजबूत थी, टूटने लायक नहीं थी। हम बार बार यही कहेंगे, इसको जबरदस्ती दबंगई के कारण उन्होंने खड़े होकर के तुड़वाया है इसको। किसने तुड़वा दिया? गोल्डी वर्मा के पति अमरीश कुमार वर्मा, वर्मा जी, जी। अच्छा, अच्छा। खड़े होकर तुड़वाया है और इसको अपने गांव दम्बल बिलवा मजरा में बनवाना चाहते हैं। ये नहीं, ये मुरथना में ही बननी चाहिए, मुरथना मुख्यालय गांव। इस गांव में कहीं जगह है? 4 जगह पड़ी हुई है। अगर जगह की आपत्ति है, जगह हम बताएंगे, अगर नेपाल की समझ में नहीं आ रहा है तो जगह हम देने पर भी करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? क्या समस्या है गांव की? समस्या तो यही है, इन्हें बनना चाहिए, इन्हीं की माता ने बनवाया था। आप पूर्व प्रधान के बेटे हैं तो फिर यहाँ बनना चाहिए। क्या दिक्कतें आ रही हैं इसमें न बनने के लिए? बनना चाहिए। सर, पंचायत घर मुरथना बना रहा है, पंचायत घर मुरथना बना पाया चाहिए। अब मेरे 25 साल पहले बना रहा है, अब ये घर ना ही को तुरंत 25 साल से ना, 25 साल पंचायत घर तो दिन प्रधान का घर जगह जगह पर ही मुरथन 4 जगह चाहे जमने जगह बना दे, लेकिन बने चाहिए ही हैं। इसकी शिकायतें आप लोगों ने की है कहीं? कई शिकायतें हो चुकी है, आराम से ना, बहुत लोग परे मान रहे हैं। गोल्डी वर्मा। आई इंडिया टीम पहुंची है विकास खंड सकरन की ग्राम पंचायत मुरथना में, जहां मुरथना में 5 मजरे हैं, दमन बेलवा, डिहवा सेमरा और मुरथना पुरवा। इस मुरथना गांव में 25 वर्ष पहले एक पंचायत भवन बनाया गया था, उसी पंचायत भवन में, चूंकि ये पंचायत भवन ग्राम पंचायत में बना, यहां पे न्याय पंचायत के सभी प्रधान आकर के यहां पे मीटिंग किया करते थे, और यहाँ इस वर्ष अम्बरीश वर्मा की पत्नी जो प्रधान हुई है वो देवमन बिलवा की हैं, और उन्होंने इस पंचायत भवन को मनमाने तरीके से बिना किसी अनुमति और बिना डुग्गी लगाए, बिना इसकी नीलामी किए हुए भवन को तोड़वा दिया है। ग्राम पंचायत के सभी लोग इसका जो है विरोध भी कर रहे हैं। इस भवन का निर्माण अपने ग्राम पंचायत दमन बलवा में कराना चाहते हैं, जबकि ग्रामीणों द्वारा पंचायत भवन तोड़े जाने का विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन प्रधान पद की मनमानी के आगे उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। ग्रामीणों ने अब जिलाधिकारी और विकास अधिकारी को भी प्रार्थना पत्र दिया है, प्रधान की मनमानी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मांग ग्रामीण कर रहे हैं, जबकि न्याय पंचायत मुरथना है। इस न्याय पंचायत के समस्त प्रधान इसी भवन में मीटिंग किया करते थे। कैमरा पर्सन रौनक के साथ विनय अवस्थी, सांडा सकरन से।
ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमरीश वर्मा द्वारा किए गए इस अवैधानिक कार्य से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीण पप्पू, राजकुमार, जितेंद्र, केशव राम, भुवनेश्वर, गुड्डू, रामरति, गीता देवी, रामपाल, राम अवतार, पंकज, सुमन देवी, अयोध्या प्रसाद सहित कई ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री डीएम और बीडीओ सकरण को शिकायती पत्र देकर मामले की जाँच कराने की मांग की है। मामले में सचिव उमाकांत ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि पंचायत भवन उनके कार्यालय में नहीं गिराया है, मुझे जानकारी नहीं है, अगर ऐसा है तो मामले की जाँच कराई जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।